बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा की शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर मचे घमासान से। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और इसके लिए उन्होंने लिंचिंग शब्द का सहारा लिया। राहुल गांधी ने बिना किसी का नाम लिए लिखा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुना तक नहीं गया था। आपको बता दें कि 2014 के पहले देश में यूपीए की सरकार थी और 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी। यानी सीधे सीधे राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन उनका ये ट्वीट कुछ ही देर में उनके लिए मुश्किल का सबब बन गया, क्योंकि बीजेपी ने उन पर चौतरफा हमला बोल दिया और 2014 से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में हुए नरसंहार और दंगों की लिस्ट जारी करते हुए कांग्रेस की सरकारों पर हमला बोल दिया। बीजेपी नेताओं ने 1984 में हुए सिख दंगों का जिक्र करते हुए उस वक्त की राजीव गांधी सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तो 1984 में प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी को फादर ऑफ लिंचिंग तक बता डाला। तो एक तरफ राहुल गांधी का ट्वीट और दूसरी तरफ अमित मालवीय का ट्वीट, अमित मालवीय का सीधा निशाना साधना और वो भी राहुल गांधी पर, जहां उन्होंने कहा कि ये तो फादर ऑफ लिंचिंग है। अमित मालवीय ने ये भी गिनाया, मीट राजीव गांधी फादर ऑफ मॉब लिंचिंग। उन्होंने कहा, देखिए सिख दंगों को और सिख नरसंहार को उन्होंने जस्टिफाई करते हुए कहा था खून का बदला खून से लेंगे। जिस तरह से औरतों के साथ बलात्कार हुआ, वहां पर सिख मर्दों के गलों में टायर बांधकर उनको जला दिया गया और फिर उसके बाद ऐसी ऐसी तस्वीरें खौफनाक थी जहां सड़क के कुत्ते जो है उनके जले हुए मांस पर आहार कर रहे थे। फिर उन्होंने अमित मालवीय ने एक और ट्वीट गिनाई जहां अहमदाबाद 1969, जलगांव 1970, मुरादाबाद 1980, नेल्लई 1983, भिवंडी 1984, दिल्ली 1984, अहमदाबाद 1985, भागलपुर 1989, हैदराबाद 1990, कानपुर 1992, मुंबई 1993, कहा कि ये तो बस छोटी सी लिस्ट है जहां पर 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं, तुम दुनिया और देश के सबसे बड़े मॉब लिंचर के बेटे हो, राजीव गांधी, जिसने देश के अंदर 8,000 लोगों को मरवाने के बाद क्या बोला, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 8,000 लोगों का मरना बस इतना ही सा था। ठीक कहा तुमने, मॉब लिंचिंग तुमने नहीं सुना होगा नाम, क्योंकि तुम्हें मॉब लिंचिंग का नाम तब समझ में आया जब तुम्हारे साथी सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर जैसे लोग जेलों में जाने शुरू हुए, सजा मौत और सजाए उम्र कैद होनी शुरू हुई देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। ठीक सुना है तुमने, मॉब लिंचिंग का नाम तभी से सुना होगा। क्या क्या कहें, अब ऐसी जो बेतुकी बात हो, और इनसे अपेक्षा ऐसी नहीं करनी चाहिए, नेशनल लीडर हैं कि ऐसी बेतुकी बात करें। लिंचिंग जमाने से होता आ रहा है देश के कोने कोने में, दुनिया में, तो इस तरीके से आक्षेप करना बिना मतलब का, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट, शोभा नहीं देता। माननीय राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे, बिल्कुल उसमें तथ्य नहीं है। लिंचिंग तो हमेशा होता रहा है, अन्याय अत्याचार हमेशा होते रहे, और राहुल गांधी जी बोलते हैं भाई मोदी जाने के बाद ही लिंचिंग हो रहा है, ये बात बहुत बड़ी गलत है। कांग्रेस के राज में भी बहुत बार लिंचिंग हुआ है, और अगर उसके आंकड़े चाहिए तो आंकड़े हम जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह का आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। लिंचिंग शब्द भी इन कांग्रेसी और लेफ्ट के लोगों की ही इजाद है। इस देश में पहले भी इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं कि कोई बलात्कारी मिल गया, कोई चोर मिल गया, तो जनता ने उसको पकड़कर मार दिया, और ये देश के सभी राज्यों में कभी न कभी घटनाएं घटती रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, हम इसका विरोध करते हैं।
लेकिन यह बीजेपी पर इसको मोड़ देना कि हमारी सरकार आने के बाद इस तरह की घटनाएं घटी हैं, तो मैं एक दर्जन कांग्रेस शासित राज्यों का उल्लेख कर सकता हूं जिन राज्य में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। इसलिए मॉब लिंचिंग गलत है, आरएसएस ने भी इसका विरोध किया है, बीजेपी कभी इसका समर्थन नहीं कर सकती है, इसलिए वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पालघर में लिंचिंग की घटना घटी, मैं ढूंढ रहा हूं राहुल गांधी ने रिएक्ट किया कि नहीं। बेअदबी के दो किस्से हुए पिछले 48 घंटों में, और उनमें से जिन्होंने बेअदबी की उनको पकड़कर लिंच कर दिया गया। क्या राहुल गांधी ने ट्वीट किया या उन्होंने कोई प्रतिक्रिया जताई? नहीं। महाराष्ट्र में सरकार कौन सत्ता पर है? सत्तारूढ़ है, कांग्रेस पार्टी है शिवसेना और एनसीपी के साथ। और पंजाब में सरकार किसकी है? कांग्रेस पार्टी की। क्या कोई बात कही गई? तो ये लिंचिंग किसने करवाई? क्योंकि ये लिंचिंग क्या लिंचिंग नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मनोज कुमार यादव बीजेपी के हमारे साथ हैं, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों पर जाएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रयागराज में हैं। नारी शक्ति का सम्मान, 2 लाख से ज्यादा महिलाएं होंगी, लेकिन अभी बच्चों से मिल रहे हैं। प्रयागराज से लाइव ऑडियो की कोशिश करेंगे जहां प्रधानमंत्री वहां महिलाओं से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। महिलाएं अपने अपनी बातें कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं, और प्रधानमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं, और छोटे छोटे वहां बच्चों के साथ भी दुलार कर रहे हैं। आज प्रयागराज में कुछ अधिकतम समय बिताएंगे। और बीजेपी की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये ट्वीट था कि यह बहुत ही खास कार्यक्रम है जिसमें मैं भाग लेने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना कि मैं 21 दिसंबर को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में भाग लूंगा जहां विमेन एम्पावरमेंट, खासकर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट पर खास तवज्जो दी जाएगी। 1,000 करोड़ रुपया आज महिलाओं के बैंक अकाउंट और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाएगा। 16 लाख औरतें हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं, और इनके लाभ के लिए, इनके हित के लिए काम किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला स्कीम, इसमें करीब 1 लाख से ज्यादा बेनिफिशरीज हैं जो कि बच्चों को और खासकर बच्चियों के लिए, उनकी मदद करने के लिए अलग अलग उनके जीवन काल में, महिलाओं के लिए उनकी मदद करने के लिए ये फंड क्रिएट किया गया है, ये स्कीम है। और 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का शिलान्यास, की आधारशिला भी रखेंगे। तो ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पुष्टि की, इसको ट्वीट करके ये बात कही। और आज ये अभी तस्वीरें आ रही हैं, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, लेकिन फिलहाल ये एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन है कुछ महिला ग्रुप्स के जो वहां पर नेतृत्व करते हैं, जो लीड कर रही हैं, उनको वहां अवसर मिला है प्रधानमंत्री जी से सीधे दो टूक बात करने का, और प्रधानमंत्री उनकी बातें सुनते हुए दिख रहे हैं इन तस्वीरों में। इस फीड से ऑडियो की कोशिश करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं किस मुद्दे पर बात कर रही हैं और प्रधानमंत्री क्या सुझाव दे रहे हैं। तो फिलहाल एक बहुत ही दिलचस्प और रोचक ये तस्वीर सामने आ रही है जहां महिलाएं बैठी हैं, एक बड़ा ग्रुप बैठा है जो कि प्रधानमंत्री से सीधे बात कर रहा है। हास परिहास के पल भी, अंतरंग वार्ता, माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखों में
आधी आबादी के जीवन को बदलने के सपने झिलमिला रहे हैं। बढ़ता हुआ आत्मविश्वास, प्रयागराज से आती हुई ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री है देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कम से कम 1,00,000 महिलाओं का यहां पर उनको मदद मिलेगी, कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिनको कि आज फंडिंग रिलीज हो रही है, कम से कम 1,000 करोड़ रुपए की राशि जो है इसको डिसबर्स किया जाएगा। प्रयागराज थोड़ी देर में फिर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल वापस चलते हैं अब तक इस वक्त की बड़ी सियासी जो घमासान जो मच रहा है, जो स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया है उस पर वापस चलते हैं। मनोज कुमार यादव बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, राहुल गांधी का कहना है कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द से कोई परिचित ही नहीं था और इससे अवगत करवाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी को राहुल गांधी जी को जो उनके रणनीतिकार है, पता नहीं किस किस तरह का ज्ञान देते रहते हैं। राहुल गांधी अद्भुत ज्ञानी प्राणी है और मुझे लगता है किसी दूसरे लोक से भूलोक से उतर करके आए। आप देखिए जिस तरह से आपने सूची गिनाई, चाहे अहमदाबाद 1969 का मामला हो, जलगांव 1970 का मामला हो, मुरादाबाद 1980 का मामला हो, ऐसे अनगिनत फहरिस्त है। 1984 में नरसंहार हुआ सिखों का, तो इनके पिताश्री ने क्या कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, खून का बदला खून से लेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं और याद दिलाता हूं आनंद जी, कश्मीरी पंडितों का आप नरसंहार भूल गए क्या? उसको आप लिंचिंग नहीं बोलेंगे क्या? कश्मीरियों को टारगेट कर करके मारा गया, महिलाओं का बलात्कार किया गया, उसी तरह की घटनाएं 1984 में की गई, लोगों के गले में टायर डाल दिया गया, किस तरह, और उनको न्याय तक नहीं मिला। उनको न्याय दिलाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जो इनके जो सिपाही सलाहकार थे, जो इनके सैनिक थे उस समय के जनरल थे, कमलनाथ जी, सज्जन कुमार जी, उनको महिमा मंडित करने का काम किया, उनको पद सम्मान मान सम्मान देने का काम किया। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी लिंचिंग के फादर नहीं है, कांग्रेस पार्टी लिंचिंग के फादर है। ये लिंचिंग की जितनी परंपराएं हैं इस देश के अंदर, बड़े बड़े नरसंहार जो हुए हैं वो उन्हीं के समय में हुए, उन्हीं के शासनकाल में हुए और अभी भी ऐसा ही चल रहा है। नहीं, पर उस वक्त तो ये कहा जाएगा कि वो शासन कर रहे थे लेकिन लिंचिंग करने वाले कोई और थे जो उस वक्त ऑपोजिशन में थे। आज जो लिंचिंग कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस का यही कहना है कि आज जो लिंचिंग कर रहे हैं वो अब आज शासन में है। आचार्य प्रमोद कृष्ण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जी नमस्ते। आनंद जी नमस्कार। आनंद जी नमस्ते। ये 2014 से पहले देश में कभी लिंचिंग ही नहीं होती थी, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए आनंद जी, सवाल लिंचिंग का जो उठा है वो किस लिए उठा, इस पर जाना पड़ेगा। लिंचिंग नहीं होती थी या लिंचिंग 2014 के बाद शुरू हुई, ये बात कोई मैं कहूं या राहुल गांधी जी ने कही है या आप कहें, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। राहुल जी ने ये कहा है कि 2014 से पहले लिंचिंग नाम का शब्द नहीं सुना था, तो क्या आपने सुना था? क्या 2014 से पहले के जो अखबार हैं, आपके पास तो सारे डाटा है, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, मुझे आप बताइए किसी अखबार में, किसी टेलीविजन पे ये लिंचिंग शब्द था? नहीं था, क्योंकि उस समय ये बात अलग है कि भीड़ के द्वारा या मोब के द्वारा जो दंगे होते थे उनमें हिंसा होती थी, हिंसा हुई है, हिंसा से मना नहीं किया गया। लेकिन ये जो लिंचिंग शब्द है ये तो 2014 के बाद ही आया। तो राहुल जी ने अगर ऐसा कहा है तो मैं नहीं समझता कि इस पर कोई तूफान खड़ा होना चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। नहीं, पर वो श्रेय जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 1984 के नरसंहार या 1993 में मुंबई में जो हुआ, या फिर हर इसमें लिंचिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो जो है वो आर्टिकल के पैराग्राफ में था। अब इसको हेडलाइन को बनाने वाली और पॉलिटिकल नैरेटिव स्टिच करने वाली भी वही पार्टी है जिसको कि आज बीजेपी ये कह रही है कि भाई आप बीजेपी, आप फादर ऑफ लिंचिंग है। मनोज यादव कुछ कहना चाहते हैं। मनोज जी देखिए, ऐसे आनंद जी, माननीय आचार्य जी ने जिस तरह से बातें बताई है, ये बताइए लिंचिंग शब्द कब आया? आनंद जी लिंचिंग शब्द तब आया जब सो कॉल्ड सेकुलर गैंग जो है, अवार्ड वापसी गैंग है, उनकी जो रोजी रोटी चलती थी, जो गुड़ के ऊपर, जो चाशनी के ऊपर जो मक्खियां नहीं भिनभिनाती रहती है, उनको, उनने शब्द को कड़ा,
और भारत की छवि खराब करने के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब करने के लिए, देश की छवि खराब करने के लिए इस लिंचिंग सबको घड़ा गया। और ये लिंचिंग उनको वो नरसंहार दिखाई नहीं देगा, उसको लिंचिंग नहीं बोलेंगे। वो जो यहाँ पर पालघर में हुआ है वो आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, उसको लिंचिंग नहीं बोलेंगे। अभी बेदबी का जो मामले आ रहे हैं उसको ये लोग लिंचिंग नहीं बोलेंगे। और कश्मीर के अंदर जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उनको प्रताड़ित करके भगाया गया, पलायन किया गया, उसको लिंचिंग नहीं बोलेंगे। लेकिन ये शब्द किसने घड़ा? ये सो कॉल्ड जो सेकुलर गैंग है इस देश के अंदर, जो भारत की छवि खराब, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते इन्होंने देश विरोध पर उतर आए, इसलिए ऐसे शब्दों का गठन किया गया। और आप देख रहे लगातार इस तरह की लंबी फहरिस्त चली हुई है आनंद जी। आचार्य जी क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के लोकतंत्र का, इस देश का, कि राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल एक सिद्धांत की मिसाल पेश करना जिनको चाहिए, एक एक ऐसा हमको एक आचरण प्रस्तुत करना चाहिए कि जो हमें फॉलो करने वाले लोग देखें। सवाल ये है ही नहीं कि बीजेपी लिंचिंग कराती है या कांग्रेस लिंचिंग कराती है। लिंचिंग जिस इंसान की होती है, जिसको भीड़ में पटक पटक के मार दिया जाता है, पत्थरों से कुचल के मार दिया जाता है, ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है, ये हमारे राष्ट्र की परंपराओं के खिलाफ है, ये हमारे राष्ट्रीय अस्मिता और अस्तित्व का प्रश्न है कि हम एक इंसान को इसलिए मार दें, हम उसका गुनाह ना देखें, हम सिर्फ उसका धर्म देखें, हम सिर्फ उसका बयान देखें, उसको लिंच कर दें। अभी जो हमारे गुरुद्वारा में, जो हमारे स्वर्ण मंदिर में जो घटना घटी है, मैं गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। किसी भी धर्म ग्रंथ की बेअदबी करना गुनाह है, लेकिन किसी व्यक्ति को पीट पीट के मार देना इसलिए, अरे भी कानून अपना फैसला करेगा, हम कौन होते हैं? फिर तो तालिबान में और हिंदुस्तान में फर्क क्या रह जाएगा? पर ये बात तो राहुल गांधी ने नहीं की आचार्य जी, उन्होंने तो एक ट्वीट नहीं किया। पालगढ़ में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया गया, वो तो संत आदमी थे, उनको जिस तरह से पीट पीट कर मार दिया गया, लिंच कर दिया गया, क्या कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कर्ता धरता है, उनकी तरफ से उफ तक नहीं? मुझे 10 सेकंड दीजिएगा आनंद जी। पालघर में साधुओं की हत्या हो, या हरियाणा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में हमारे इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हो, या एडिशनल एसपी मथुरा में शर्मा जी की हत्या हो जो लिंचिंग हुई, या अखलाक की हत्या हो, ये हमारे सनातन धर्म और भारत के माथे पे कलंक है। मैं हिंसा का विरोध कर रहा हूँ। भाजपा का व्यक्ति मरता है, या कांग्रेसी मरता है, या कोई राजनीतिक व्यक्ति दूसरी किसी पार्टी का मरता है, मैं सबके खिलाफ हूँ। पर लेकिन आपका स्वागत है आचार्य जी, आपके मत का स्वागत है, आप जो पोजीशन ले रहे हैं उसका स्वागत है, लेकिन आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो धर्म देखकर, पार्टी देखकर और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म देखकर लिंचिंग को हाईलाइट करते हैं और फिर बाकी को भूल जाते हैं। ये जो बराबर की बात होनी चाहिए कि सब हर तरह की लिंचिंग गलत है, उस पर तो उनकी चुप्पी होती है। आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी ने क्या पालघर की लिंचिंग पर कुछ कहा था? इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, पंजाब में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस से गुरमीत अब बीजेपी में शामिल है, गुरमीत सिंह राणा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कैप्टन सरकार में खेल मंत्री थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह सर की सरकार में खेल मंत्री थे, वो अब सीधा अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये अब तस्वीरें आ रही हैं, गुरमीत सिंह राणा अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, कैप्टन सरकार में खेल मंत्री रहे, और इस वक्त भूपेंद्र यादव, जेपी नड्डा बैठे हुए हैं मंच पर, उनके साथ गुरमीत सिंह बैठे हैं। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल को झटका लगा था जब 2 हफ्ते पहले मनजिंदर सिंह सिरसा ने शिरोमणि अकाली दल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया था। तो क्या पंजाब में एक अलग खलबली हो रही है? विक्रांत जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। विक्रांत, गुरमीत सिंह राणा का बीजेपी में जुड़ना ये कितना बड़ा आघात है कांग्रेस पार्टी के लिए, या फिर चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के लीडरशिप में इनको दरकिनार कर दिया गया था? देखिए, बिल्कुल, राणा गुरमीत सिंह पंजाब के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, के कैप्टन के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे थे, और आज वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और लगातार वो पार्टी के भीतर रह करके भी लड़ाई लड़ रहे थे। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से सिद्धू पार्टी में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन आज वो खुद कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी, क्योंकि राज्य में अभी तक बीजेपी को कहा जाता था कि उतनी बड़ी फोर्स नहीं है, लेकिन पिछले दिनों अकाली नेता सिरसा शामिल हुए मनजिंदर सिंह
सिरसा, आज राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, और कुछ और नेताओं के भी अगले कुछ दिनों में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। और बीजेपी का यह कहना है कि पंजाब का चुनाव पूरी ताकत के साथ वो लड़ेंगे और पहली बार कांग्रेस बीजेपी वहां पर एक बड़ी ताकत के रूप में अकेले लड़ेगी, क्योंकि पहले हमेशा अकाली दल के साथ छोटे पार्टी। सवाल ये बनता है कि उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को ज्वाइन नहीं किया लेकिन बीजेपी को ज्वाइन किया, और इस वक्त बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के बीच में गठबंधन का ऐलान हो चुका है। धन्यवाद विक्रांत आपके अपडेट के लिए, और यादव जी और आचार्य प्रमोद कृष्णम धन्यवाद अखाड़ा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक का वक्त हो चुका है, जाते जाते बता दें कि सुखबीर बादल ने भी अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। पीएम के पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान वहां कई महिलाएं भी मौजूद थी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इससे पहले थोड़ी देर पहले कुछ महिला ग्रुप्स के जो नेत्री हैं उनसे एक छोटे से ग्रुप में प्रधानमंत्री की तस्वीरें आईं, जहां उन्होंने उनसे बातचीत की, उनसे कई चीज़ों के बारे में जाना और कुछ सुझाव देते हुए एक इंटेंस वार्ता करते हुए दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने छोटे बच्चों को भी दुलारा। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नंदगोपाल नंदी जी, राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, श्रीमती गुलाबो देवी जी, श्रीमती नीलमा कटियार जी, श्रीमती संगीता बलवंत बिंद जी, महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, मंच पर उपस्थित माननीय सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, सभी माननीय सांसद और विधायकगण, और भारी संख्या में आज प्रयागराज की इस पावन धरती पर मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित सभी बहनें, मैं आप सब की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आधी आबादी के प्रति जिस दृष्टिकोण को बदलने का कार्य किया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। मातृवंदना की योजना हो, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण के अभियान को एक नई गति देने की कार्रवाई हो, या फिर हर घर में शौचालय के माध्यम से नारी गरिमा की रक्षा हो, या फिर माताओं को भी संपत्ति पर अधिकार मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकांश मकान जो मिले हैं वह महिला स्वामित्व के ही मिले हैं, नारी को ही प्राप्त हुए हैं। और इस समय जो एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से, हर गांव में, जिस गांव में जमीन पर अगर किसी गरीब का मकान टूट जाता था और दूसरी बार उसे मकान बनाने के लिए कार्रवाई करनी होती थी तो दबंगों के द्वारा मकान नहीं बनाने दिया जाता था, आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसका अधिकार तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उनमें से अधिकांश मकानों के कब्जे, जमीन के कब्जे भी महिलाओं के नाम पर या संयुक्त खातेदार के नाम पर प्रदान किए जा रहे हैं। देश के अंदर आधी आबादी को
सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस दौरान लागू किए हैं, उनमें से कुछ कार्यक्रमों का आज प्रधानमंत्री जी ने उन लाभार्थियों के साथ, उन स्वयंसेवी महिला समूहों के साथ और साथ साथ प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उस अभियान को कैसे एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्यक्रम चल रहा है। तीन प्रकार के अलग अलग समूहों के संवाद को आप सबने यहां पर देखा होगा और आज मैं कह सकता हूं कि सचमुच आधी आबादी जिस हक का सम्मान पाने के लिए आजादी के बाद से तत्पर थी, 2014 के बाद वह देखने को मिला है। आज जब गांव गांव में बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से वे बेटियां और बहनें गांव के बुजुर्गों को गांव में ही बैंक की सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन अकाउंट को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की उस कार्रवाई के सपने को साकार करने का कार्य वे करती हैं। यही नहीं, बाल विकास और पुष्टाहार के माध्यम से मिलने वाला पोषाहार, कितनी विसंगतियां और कितनी शिकायतें होती थी, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा नए प्लांट लगाने के साथ साथ उसके माध्यम से मिलने वाले पोषाहार की क्वालिटी के साथ ही उसके माध्यम से लाखों बहनों को मिलने वाला कार्य हो, वह भी आज नए 202 प्लांट के शुभारंभ का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज यहां प्रारंभ होने जा रहा है। और यही नहीं, आज यहां पर बेटी के जन्म लेने, मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था कि प्रदेश के कुछ जनपद हैं जिसमें महिला और पुरुष का अनुपात में विसंगति है, इस विसंगति को दूर करना है और इसके लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य होना चाहिए। और उस समय हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक मुखबिर योजना चलाई थी कि अगर भ्रूण हत्या करने वाला कोई पापी कोई इस प्रकार का कार्य करेगा तो उसको सजा होगी। उस योजना को आगे बढ़ाने के साथ ही हम लोगों ने उस समय फिर एक योजना लागू की, प्रदेश के अंदर कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेने के साथ साथ स्नातक तक की पढ़ाई के साथ 15,000 की राशि अलग अलग चरणों में प्रदान करने की कार्रवाई। और ये आज प्रदेश के अंदर महिला और पुरुष के अनुपात को बेहतर करने में इसने मदद की। प्रदेश के अंदर नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के इस पूरे अभियान के साथ जुड़ने के लिए संगम नगरी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप सबसे संवाद बनाने के लिए आज यहां पर आए हैं। ये संगम नगरी है, मां गंगा मां यमुना और माता सरस्वती का संगम यहां पर होता है और नारी गरिमा की प्रतीक हमारी प्रदेश भर के आने वाली माताएं भी आज संगम नगरी में इन बहनों के इस भारी महाकुंभ के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे मजबूती के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नारी गरिमा को बनाए रखते हुए उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। एक बार फिर से मैं आप सबके इस आयोजन के लिए, आप सभी प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, आप सबका भी मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। फिलहाल ये संगम नगरी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पे पीएम मोदी की मौजूदगी है और कुछ ही देर में वो फिलहाल मन से संबोधित करेंगे। और फिलहाल
पीएम आप आगे बढ़ रहे हैं और इंतजार भी है जो लाखों की तादाद में यहाँ महिलाएं पहुंची हुई हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है महिलाएं जिनके खातों में तकरीबन 1,000 करोड़ जाना है। वो सभी महिलाएं फिलहाल पीएम को सुनेंगी और पीएम आज इनके लिए सौगात देने वाले हैं प्रयागराज से। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ को आप अब से पहले सुन रहे थे और अब इंतजार खत्म होने को है, यानी पीएम को अब कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे। 47 जनपदों के 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर 1,60,000 स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1,000 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित करें। बटन दब गया और बटन दबते ही हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। लाख महिलाओं को लाभ पहुंच गया। एक बार हम और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में 20 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित करें। बटन दबा और बटन दबने के साथ ही हस्तांतरण की ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में 20 करोड़ की धनराशि का हस्तांतरण। सुरक्षित बालिकाओं का भविष्य, नारी शक्ति, देश की शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अपनी संवेदनशील सोच और सकारात्मक प्रयासों से आधी आबादी के जीवन को बदला है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इन सभी योजनाओं के बारे में एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। नारी शक्ति देश की तो शक्ति। फिलहाल 1,000 करोड़ की धनराशि महिलाओं के खाते में और फिलहाल लाखों की तादाद में यहाँ पे महिलाएं पहुंची हुई। अलग अलग एंगल से तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और वो तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि पीएम इन महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। और ये जो फिल्म फिलहाल दर्शाया जा रहा है वो महिलाओं की जीवन शैली में वक्त वक्त के साथ कैसे तब्दीलियां आई है और पहले के वक्त में क्या हालात बने हुए थे, ये तमाम बातें लेकिन सिर्फ आज ही नहीं बल्कि इससे पहले चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र में मोदी सरकार, वक्त वक्त पे महिलाओं को सशक्त मजबूत करने को लेकर बड़े कदम उठाए गए हैं। आधी आबादी को मजबूती देने के लिए 2014 के बाद से लगातार काम किया गया है। इन तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज की धरती से किया भी। इंतजार पीएम का है और अब पीएम का इंतजार इस लिहाज से भी है कि आज बड़ी बातें महिला शक्ति को लेकर, नारी शक्ति को लेकर क्या कहते हैं और सौगाते किस तरीके से, इस पे हम सभी की निगाहें। तो फिलहाल महिलाओं को हक दिलाने का काम किया है, महिलाएं और सशक्त हो, हर क्षेत्र में मजबूत हो, इस बात को लेकर कदम उठाए गए हैं और इस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है। और ये जो फिल्म आपके टीवी स्क्रीन पर, ये उज्ज्वला योजना हो या सुकन्या समृद्धि योजना, सुरक्षित मातृत्व, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, ये एक एक करके योजनाएं गिनाई जा रही है। यानी बीते कुछ सालों में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं और कैसे महिलाओं को, चाहे वो शहरी इलाके की महिलाएं हों, कामकाजी महिलाएं हों या दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में बैठी महिलाएं हों, उन सभी को सशक्त करने, उन सभी को मजबूत करने, उन सभी को ताकतवर बनाने को लेकर जो कदम उठाए गए हैं उसका जिक्र फिलहाल हो रहा है। और लाखों लाख महिलाएं, चाहे वो दिल्ली की महिला हो या फिर किसी दूरदराज उत्तर प्रदेश के किसी ग्रामीण इलाके की महिला हो, मुंबई की महिला हो या फिर महाराष्ट्र के किसी बहुत ही दूरदराज इंटीरियर जगह की महिला हो, सबको एक तरीके से ही देखा गया, सबको एक तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। और ये जो फिलहाल मैं जिक्र करूंगी, ये जो फिल्म दिखाई जा रही है, उस फिल्म के जरिए यही दर्शाया जा रहा है कि महिलाएं हर क्षेत्र में कितनी ताकतवर हुई है और ग्रामीण इलाकों की महिलाएं अपने हक की आवाज उठा सकती हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे समूह में बनाकर उनको और भी सशक्त किया गया, उन्हें नई नई गतिविधियों से जोड़ा गया
और इसका फायदा उन्हें किस तरीके से पहुंचा है ये भी इस फिल्म के जरिए दिखाया जा रहा है। बेटियों को क्या तोहफा मिला, जो बच्चियां अभी अभी जन्म लेती है या उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके करियर को लेकर जो सरकार ने सोचा है, जो कदम उठाया है उसको लेकर बड़ी बातें बड़ी सौगातें।